नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम यादव जिला सुल्तानपुर कृषि जागरण के फार्मर दर्जन लिस्ट में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। आज हम आप सबको एक कृषि यंत्र के बारे में बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये रीपर है। रीपर से हम फसलों की हार्वेस्टिंग करते हैं। विभिन्न प्रकार की फसलों की हार्वेस्टिंग के लिए हम इस यंत्र का उपयोग में लाते हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये एक थ्री इम्प्लीमेंट वाला कृषि यंत्र है। इसमें थ्री हुक होते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें तीन हुक लगे होते हैं। इसको हम एक हुक ये हो गया, एक हुक इधर है, एक हुक उधर है। इसे हम चलाने के लिए ट्रैक्टर का यूज करते हैं। इसको हम तीनों हुक को तो ट्रैक्टर के पीछे जोड़ते हैं और इसको हम फील्ड में लेकर जाते हैं। जब इसको हम इसमें एक सापट भी लगाते हैं, जिससे जब सापट चलता है तो हमारे ये जो बेल्ट लगे हैं ये मूव करते हैं। ये जैसे जैसे बेल्ट मूव करते हैं तो इसमें नीचे आप लोग देख सकते हैं कि ब्लेड लगी हुई है। ये नीचे नीचे इसके ब्लेड लगे हैं। जैसे जैसे ये बेल्ट मूव करता चलता है, वैसे वैसे जो हमारे ब्लेडें होती हैं वो फसलों की हार्वेस्टिंग एकदम करते चली जाती है। दोस्तों, हम आप सबको बता दें कि इसमें फसलों की हार्वेस्टिंग एकदम निचली सतह से होती है। ऐसा कि नहीं कि ऊपर ही ऊपर फसलों की हार्वेस्टिंग होती है, ऐसा नहीं होता है। इसमें जो फसलों की हार्वेस्टिंग होती है वो एकदम निचली सतह से होता है। कोई बता नहीं सकता है कि इसको लेबर हार्वेस्टिंग की है कि मशीन हार्वेस्टिंग की है। और हम बता दें कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो हम बताएं इस यंत्र का उपयोग करने से हमारे टाइम की मैनेजमेंट होता है और हमारे जो कॉस्ट ऑफ लेबर होता है, जो लेबर की हमें कम रिक्वायरमेंट होती है इस यंत्र से। और हम बता दें आप सभी को कि इस यंत्र का यूज करने से हमारा जो कॉस्ट लगता है फसल की हार्वेस्टिंग करने में वो कम लगती है। और इस यंत्र का यूज करने से हमारे टाइम में कम मैनेजमेंट मिलता है और हमें आसानी से हमारी फसलों की हार्वेस्टिंग हो जाती है इसमें, इस यंत्र से। और भी बहुत, और हम आप सभी को बताते हैं कि इस यंत्र से हम किस किस फसलों का हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो इस यंत्र से हम रीपर से जैसे मस्टर्ड हो गया, सोयाबीन हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, हम विभिन्न प्रकार की फसलों की हम ये रीपर से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और हम बता दें कि ऐसा नहीं है कि हम एक ही बार ले लिए हैं तो एक ही फसलों के लिए अवेलेबल है। हम विभिन्न प्रकार